नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। राहुल तेवतिया राजस्थान रॉयल्स के बड़े मजेदार प्लेयर हैं। अपनी बल्लेबाजी से भरपूर मनोरंजन करते हैं और राजस्थान रॉयल्स की टीम में अच्छे फिनिशर के तौर पर उभर भी रहे हैं। राहुल तेवतिया ने बेंगलोर के खिलाफ शानदार कैमियो इनिंग्स खेली। उन्होंने 23 गेंदों का सामना करते हुए 40 रनों की पारी खेली। इस दौरान राहुल तेवतिया ने 4 चौके और 2 छक्के लगाए। राहुल तेवतिया की इनिंग्स की खास बात ये रही कि उन्होंने मध्य के ओवरों में राजस्थान रॉयल्स को संकट से निकाला। चूंकि एक वक्त ऐसा था जब राजस्थान रॉयल्स के 50 रन भी पूरे नहीं हुए थे, लेकिन 4 विकेट गवा दिए थे। ऐसे में राहुल तेवतिया ने शिवम दुबे के साथ मिलकर अच्छी साझेदारी की, रन बनाए और कुछ बड़े शॉट्स भी लगाए। राहुल तेवतिया का स्ट्राइक रेट इस पारी के दौरान 174 का रहा, जो काबिले तारीफ है। तेवतिया के अलावा इस मैच में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से शिवम दुबे ने बढ़िया पारी खेली। उन्होंने 32 गेंदों का सामना करते हुए 46 रन बनाए, 5 चौके और 2 छक्के शिवम दुबे ने लगाए। अर्धशतक का मौका था, पर व्यक्तिगत स्कोर पर ध्यान देने के बजाय शिवम दुबे ने लंबे शॉट को लगाना जरूरी समझा ताकि रन रेट बेहतर हो सके। हालांकि तेवतिया और शिवम दुबे की पारी की वजह से राजस्थान रॉयल्स ने आरसीबी के सामने 9 विकेट खोकर 177 रन बनाया और जीत के लिए 178 रनों का टारगेट रखा। आपको बता दें, राजस्थान टीम को पहला झटका महज 14 रन के स्कोर पर ही लग गया जब ओपनर बल्लेबाज जोस बटलर को मोहम्मद सिराज ने अपना शिकार बनाया। सिराज ने बटलर को क्लीन बोल कर दिया। मनन वोहरा ने सिर्फ 7 रन बनाए। टीम के कप्तान संजू सैमसन ने 21 रनों की पारी खेली, जबकि रियान पराग ने 25 रनों का योगदान दिया। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।